हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो है हमारा स्केलेटर सिस्टम के एमसीक्यू पे तो स्केलेटर सिस्टम के रिलेटेड जो भी ट्वेंटी वन से थर्टी तक के एमसीक्यू है वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एम तो पहला एम है विच टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड स्प्रेन इसके ऑप्शन है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऑस्टिथ्रिटिस स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट कंपाउंड फ्रैक्चर तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट कहते हैं। देखिए अ स्प्रेन ऑल्सो नोन एज अ टॉन लिगामेंट इज द स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स विदिन अ जॉइंट ऑफन कॉज बाय ट्रामा एब्रिपली फोर्सिंग द जॉइंट बियॉन्ड इट्स फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट कहते हैं नेक्स्ट नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी तो कौन सा थिनेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का ऑप्शन है स्टेप्स मैलियस इंकस फेब्यूला तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का फेब्यूला ये थिनेस्ट बोन है ये देखिए फेब्यूला का स्ट्रक्चर फेब्यूला इज ए लेग बोन एंड इज द थिनेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी तो जो थिनेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का वो है फेब्यूला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन कौन सा बोन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ऑप्शन कैल्शियम क्रैनियम सिरिब्रम सिरिबुलम तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का क्रैनियम देखिए क्रैनियल बोन से ये द ब्रेन इज हाउस इन साइड ऑफ बोनी कवरिंग कॉल्ड एज क्रैनियम द क्रैनियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द इंजुरी तो क्रैनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको ऑर्निथोलॉजी ऑटोलॉजी ऑस्ट्रियोलॉजी ऑफसेलमोलॉजी तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का स्टडी ऑफ बोन्स को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी के डेफिनेशन देखते हैं द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन एंड बोनी स्ट्रक्चर बाकी के भी जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं अभी ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑटोलॉजी द स्टडी ऑफ द एनाटॉमी एंड डिस ऑफ द ईयर ऑफटेलमोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिस एंड डिसीज़ ऑफ द आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ट्वेंटी फाइव नंबर का ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन विच पार्ट ऑफ द बोन ऑप्शन लिगामेंट ज्वाइंट बोन मैरो टेंडन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोन मैरो। देखिए स्ट्रक्चर है रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो ऑफ बोन्स स्टेम सेल्स इन द रेड बोन मैरो कॉल्ड हिमोसाइटोब्लास्ट गिव्स राइज टू ऑल ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन ब्लड तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का बोन मैरो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटाकार्पल बोन्स आर फाउंड इन तो मेटाकार्पल्स बोन कहाँ पे रहते हैं लेग स्कल हिप हैंड तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का हैंड देखिए ये मेटाकार्पल बोन का स्ट्रक्चर है इन ह्यूमन एनाटॉमी द मेटाकार्पल बोन्स और मेटाकार्पस फॉर्म द इंटरमीजिएट पार्ट ऑफ दिस कैलेटल हैंड लोकेटेड बिटवीन द फलेंजेस ऑफ द फिंगर्स एंड द कार्पल बोन ऑफ द ब्रिस्ट वम्स द कनेक्शन टू द फोरम तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का हैंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ बोन प्रेजेंटिंग इनपुट तो इसके ऑप्शन है टू जीरो एट टू जीरो फाइव थ्री डबल जीरो टू जीरो नाइन तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का तीन सौ तीन सौ बोन्स जो है वो इनफंट में रहते हैं अ बेबीज बॉडी हैज़ अबाउट थ्री हंड्रेड बोन्स एट बर्थ दिस इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म द टू जीरो सिक्स बोन्स एडल्ट्स हैव तो सही आंसर है थ्री हंड्रेड How many bones are present in human skull? 26, 22, 24, 20. So, the answer is 22 bones. The human skull is generally considered to consist of 22 bones, 8 cranial bones, and 14 facial skeleton bones. In the neurocranium, these are the occipital bone, to temporal bone, to parietal bone, the sphenoid. इथमोइड एंड फ्रंटल नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स डज एक्जियल स्केलेटन हैव फोर्टी एट वन जीरो वन एटी फिफ्टी सिक्स तो सही आंसर है एटी बोन। देखिए अब हम द एग्जियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ एटी बोन्स द स्कल विच कंटेन ट्वेंटी टू बोन्स फ्रॉम विच एट आर क्रैनियल एंड फोर्टीन आर फैसियल सिक्स मिडल ईयर ऑसिकल्स one hyoid bone in the neck 26 bone of vertebral column one chest bone and 24 ribs to रिब्स तो सही आंसर है एटी बोन्स और अब लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन यू तो ऑप्शन है थर्टी थ्री थर्टी ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स तो सही आंसर इस क्वेश्चन का थर्टी थ्री देखिए तो वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ थर्टी थ्री वर्टिब्री ट्वेंटी फोर प्री सैक्रल वर्टिब्री उसमें आते हैं सेवन सर्वाइकल ट्वेल्थ होरासिक एंड फाइव लंबर फॉलोड बाय द सेक्रम फाइव फ्यूज सेक्रल वर्टिब्री एंड द कॉसिक्स फोर फ्रिक्वेंटली फ्यूज कॉकीज वर्टिब्री तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का थर्टी थ्री आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए थैंक यू